बिहार में शराबबंदी की मुहिम लगातार जारी है, लेकिन शराब तस्कर लगातार नए नए तरीके से शराब तस्करी को अंजाम दे रहे हैं। वहीं उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर संपत चक से आदि शक्ति रांची पटना बस से 14 पेटी शराब बरामद की, जबकि बस के खलासी और दो शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया। हालांकि ड्राइवर फरार होने में सफल रहा। सहायक आयुक्त मद निषेध किशोर कुमार शाह ने बताया कि 3 लोगों को पकड़ा गया है और जांच की कार्रवाई जारी है। उषा मार्टिन स्कूल के पास संपत चक में रोका गया। रोका गया क्या, वो वास्तव में वहाँ पर रुकी और वहाँ पर लोग दो आदमी अपना माल निकाल रहे थे। जब उसकी जांच की गई तो वो देखा गया कि फॉरन लीगल शराब है। वो तहखाना बस में बना हुआ था, वो गुप्त बना हुआ था। एक साइड में उसको पर्दा दे करके टाइट किए हुए था ताकि वो दिखाई नहीं आ पाए। तो इसी बीच में ड्राइवर तो भाग गया, लेकिन खलासी और दो जो जिसका माल उतार रहा था उसे गिरफ्तार किया गया है और बस को अपने कब्जे में लिया गया है। इसके अनुसंधान जारी है। कुल टोटल माल इसमें पकड़ाया है 750 ml का 10 कार्टून है, कुल 120 बोतल, और 375 ml का 4 कार्टून है, टोटल 96 बोतल। इतना गिरफ्तार जब्ती हुई है और एक बस को जब्त किया गया है और कुल 3 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और ड्राइवर फरार, उस पर भी अभियोग दर्ज किया गया। सर, ये माल किसको डिलीवरी करने वाले थे? इस संबंध में भी जांच की जा रही है, पूछताछ चल रही है। क्या पहले भी इस बस से मतलब शराब की डिलीवरी हुई है? अभी तो हम लोग को गुप्त सूचना मिली है तो उसी के आलोक में कार्रवाई की गई है। पहले इसकी सूचना नहीं थी, सूचना जैसे ही मिला हम लोगों ने इस पर छापेमारी की। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।